हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के वीकेंड के दाव में लगता है कि मांजरेकर सर ने कुछ विरोधाभासी बातें कही। उन्होंने घर वालों से कहा कि जब गेस्ट उल्टी सीधी फरमाइशें कर रहे थे, तब घर वालों ने ही गेस्ट को जेल में डाल देना चाहिए था, जबकि बिग बॉस ने टास्क को नाम ही दिया था अतिथि देवो भव, और कहा भी था कि उनकी सेवा करके ज़्यादा से ज़्यादा स्टार हासिल करना जो उन्हें आगे का काम दिलाएगा। बिग बॉस की बातों का अगर घरवाले उल्लंघन करते तो वह सजा के पात्र होते। वैसे गेस्ट लोगों ने टॉर्चर तो किया था, लेकिन उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं था और ये टीम टास्क था। ये टास्क बहुत मनोरंजक था और इससे गेस्ट ने सीख भी दी कि हर काम बहुत सावधानी से और दिल लगाकर करना चाहिए। जैसे वीना से पोहो में पानी ज़्यादा हो जाना, और अगर पास्ता नेहा की टीम ने पहले टेस्ट किया होता तो वो अपनी साइड डिफेंड कर सकती थी। या नेहा ये कंफर्म नहीं थी कि सूप में बाल उसका नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें बताती है कि गेस्ट की सेवा करते समय साफ सफाई को बहुत बारीकी से देखना ज़रूरी है। उसके बाद मांजरेकर सर ने हफ्ते में हुए कुछ बातें का विश्लेषण किया, जैसे रूपाली और वीना का हर समय दिखने वाला झगड़ा। ऐसा लगता है कि ये दोनों अब कभी साथ नहीं आ सकती, लेकिन अगले 5 मिनट में फिर से यूनाइट हो जाती है। रूपाली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर लगती है और वह उसके और वीना के बीच किसी को आने नहीं देती। साथ ही साथ वो अकेले खेल भी नहीं सकती और वीना को भी उसकी ज़रूरत है, इसलिए वीना को अपने साथ रखना उसकी मजबूरी है। दोनों में ऐसा झगड़ा होता है कि थोड़ा आत्मसम्मान रखने वाले लोग ऐसे समय एक दूसरे से दूर ही रहेंगे, लेकिन ये दोनों तो ऐसी चीज़ों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देती। मांजरेकर सर ने कहा कि अब वीना और रिपाली किशोरी को भी आइसोलेट कर रहे हैं। वीना कहती है कि किशोरी हर समय मैं कहती रहती है और अपनी बातें दूसरों पर थोपती है और उनको कुछ नहीं आता। मांजरेकर सर ने नेहा को कहा कि वो डिक्टेटर जैसी बर्ताव कर रही है, दूसरा पराग बन रही है, ये कुछ हजम नहीं होता। एक तो पराग की जैसे उसके ग्रुप वाले बिना सवाल उठाए चुपचाप सुनते थे, वैसे नेहा की कोई नहीं सुनेगा। नेहा कभी डिक्टेटर जैसे नहीं रही, उसका वैसा स्वभाव ही नहीं है और वो बहुत मिलनसार है। उसके ऊपर कोई अन्याय करता है तो वो उसे भी माफ़ करती है और जो बातें हो गई उनको भूलकर आगे बढ़ जाती है। नेहा में एक और क्वालिटी ये भी है कि जब उसके काम से किसी को नुकसान पहुंचता है और उसे पूरा पता नहीं कि गलती उसकी है या नहीं, फिर भी वो सारा कसूर अपने ऊपर ही लेती है। कोई भी निर्णय समझदारी से लेती है, टास्क जुनून से करती है और उम्मीद करती है कि दूसरे भी उतने ही जुनून से टास्क करें, और अगर वो तब थोड़ा एरोगेंस दिखाती है तो वो कोई गलत नहीं। नेहा की सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए मांजरेकर सर ने पूछा भी अभिजीत केलकर से, जो खुलेआम नेहा के विरुद्ध बहुत सारी बातें कर चुके हैं, जैसे कैप्टनसी टास्क में नेहा को हराने के लिए अभिजीत ने शिव का सहारा लिया और उसे गिराया, चोटें पहुंचाई। लॉन्ड्री टास्क में उसके सर से मारा, वो खुद ही गलत काम में फंसा पड़ा रहता है और उससे नेहा के बारे में पूछना कितना ठीक है। वैसे पिछले हफ्ते उसने ही कैप्टेंसी के लिए नेहा का नाम लिया था, लेकिन नेहा ने खुद के लिए मना करके माधव का नाम आगे किया। अभिजीत का आरोप है कि अतिथि देवो भव टास्क में
स्टार उतारने का निर्णय जो नेहा ने बताया उसे बताने से पहले नेहा ने किसी टीम के सदस्य को पूछा नहीं था। यहाँ यह भी बताते हैं कि जब नेहा को इस संबंध में गेस ने पूछा तो अभिजीत भी नेहा के साथ था, लेकिन उस समय उसने नेहा से कोई सलाह नहीं की। और अब गलत आरोप कर रहा है। उस समय वो नेहा को अपना ओपिनियन बता सकता था जो उसने नहीं किया, लेकिन आज ये सारी बातें सुनते समय नेहा ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया और गलती मान ली। आज हम सुरेखा ताई की व्यथा की भी बात करते हैं। जो बाकी घर वालों की पोल खोलते हैं, सुरेखा ताई ने कहा कि सारे घर वाले उनके उम्र के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनकी और किशोरी की उम्र में 1-1.5 साल का ही अंतर है। रूपाली ने कहा कि आपातकालीन टास्क में सुरेखा ताई घबरा गई थी, तो सुरेखा ताई ने कहा कि घबरा तो रूपाली भी गई थी और उसने ही सुरेखा ताई का सहारा लिया था। सुरेखा ने कहा कि ये घर वाले उसके सामने कुछ नहीं हैं, वो तो 12 महीने अपने काम से घूमती रहती है और अभी भी 100 लोग रोजी रोटी के लिए उस पर निर्भर करते हैं। उसने ये भी कहा कि गेस्ट के टास्क में भी किशोरी उसे कुछ भी नहीं करने दे रही थी। वो एक अच्छी कलाकार है। सुरेखा ताई का यह भी कहना था कि गेस्ट के लिए किचन में उसने इतनी सारी चीज़ें बनाई थी, पर उसके टीम के मेंबर्स जिसमें किशोरी, वीना, रूपाली थे, सुरेखा ताई को कोई क्रेडिट नहीं दे रहे थे। बाकी की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।